मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10 और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये है होममेड दही, दही मैं घर में ही जमाती हूँ, तो इसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगी किस तरह से बहुत इजी प्रोसेस से घर में दही जमता है, तो वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ एक हेल्दी, तो यहाँ पे मैं लिया हूँ दही कार्ड और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ओट्स और अब मैं एक बनाना ऐड करूंगी इसके अंदर। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये ब्रेकफास्ट जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बनाना ऐड कर दिया, अब मैं कुछ किशमिश ऐड करूंगी। आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट जो होता है ऐड कर सकते हो, पर मैं सिर्फ थोड़ा सा किशमिश ऐड करूंगी। किशमिश बहुत अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम भी करता है। तो ये रेडी मेरा आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप चाहो तो दूसरा कोई फ्रूट्स भी जैसे ग्रेप्स, एप्पल, जो भी हो ऐड कर सकते हो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, पर आज के लिए मैं सिर्फ यही ऐड किया। और ये ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करके मैं गया था त्रिनयन का स्कूल। आज संडे है लेकिन फिर भी स्कूल है, मतलब क्लास नहीं होगा। आज कुछ बुक्स ड्यू था देने के लिए तो वही बुक्स आज दे रहा है, तो उसे लेने के लिए मैं गया था। हस्बैंड नहीं है तो ये बाहर का काम अब मुझे ही करना पड़ रहा है। तीनों को ही जाना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं है, तो इसीलिए प्रियांशु को साथ लेकर ही जाना पड़ा। और बाहर धूप गर्मी एकदम, मतलब हाल देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। तो घर में आकर हम सब पिया ORS का पानी और अब थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ बातें करने के लिए। तो आजकल तो गर्मी बहुत है, तो इसलिए इतना गर्मी और इतना धूप में अगर कोई बाहर आप लोग जाओगे तो ऑब्वियसली कॉटन का फुल स्लीव पहनो, चाहे लेडीज हो या जेंट्स। और अगर कोई मतलब ड्राइव कर रहे हो स्कूटी या बाइक कुछ भी, तो हेलमेट तो जरूर। और अगर बिना हेलमेट के कोई ड्राइव करते हो मतलब आसपास कहीं, तो एकदम फेस को कवर कर लो दुपट्टे से, सिर्फ आईज को ओपन रखो। मतलब ये तो बहुत जरूरी है लू से बचने के लिए, अपने स्किन को बचाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और बाहर से घर आने के बाद ग्लूकोन डी या ORS या लेमन जूस, मतलब लेमन पानी सॉल्ट के साथ ये सारा पियो। थोड़ा सा आके पंखे के नीचे बैठो, स्वेट को वेट करो टॉवल से, उसके बाद अब पानी पियो, मतलब ORS या जो मैंने बोला ये सारा कुछ पियो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी के सीजन में बहुत जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये मेरा कुछ थोड़ा कुछ आइडिया था जो मैं करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से, एक चीज मैं परचेस किया उसका अनबॉक्सिंग करूंगी मैं आप लोगों के सामने, तो चलिए। तो मैं यहाँ पे परचेस किया हूँ स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, ये प्रेस्टीज का है। एक नहीं, मैं और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको, पहले मैं ये दिखा लेती हूँ। तो ये है स्टेनलेस स्टील का, मैं एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक बिल्कुल हटाने वाले हूँ किचन से, अपने हेल्थ को, अपने बच्चों के हेल्थ को, अपने फैमिली को बचाने के लिए एकदम मैं इसे पूरा पूरी अवॉइड करने वाली हूँ। इसलिए कुछ दिनों से आप लोग मेरे किचन में नॉनस्टिक का कुकर वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे हो क्योंकि मैं नॉनस्टिक बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया,
नॉनस्टिक में मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ, और जो कढ़ाई में मैं अभी बना रही हूँ वो एल्युमिनियम का है, हाँ वो एल्युमिनियम का है, तो उसे भी मैं हटाने वाली हूँ। तो हटा के उसके जगह पे मैं ये ऐड करने वाली हूँ, ये स्टेनलेस स्टील का है, ये प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है। तो इसके साथ ऐसा एक ढक्कन आता है और ये ग्लास लीड आता है इस तरीके का, तो आप इसे पैन की तरह भी यूज कर सकते हो और प्रेशर कुकर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए देखने में कुछ ऐसा है, और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, और इंडक्शन पे भी आप यूज कर सकते हो इसे। और ये मैं लिया 5 लीटर का, एक्चुअली मैं 3 लीटर का लाने के लिए गया था, लेकिन 3 लीटर बहुत ही छोटा लगा मुझे, तो मैं 5 लीटर का लिया, पर अभी ऐसा लगता है ये बड़ा हो गया मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग, बड़ा हो गया, पर चलिए ले लिया तो ले लिया। तो इसमें अब मैं सब कुछ बनाऊंगी, और ये क्लिप ऑन है इस तरह से ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे प्रेशर कुकर का जो सीटी है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके साथ ये ग्लास ले। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, और इसका 10 से 15 दिन बाद मैं इसमें खाना बनाऊंगी पहले, उसके बाद इसका रिव्यू मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस की खाना कैसे बनता है, खाना जलता है या नहीं या कैसा कुछ, तो ये मैं 10 से 15 दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसका प्राइस मैं बोल देती हूँ, इसका प्राइस 3200 इसका प्राइस, ये 5 लीटर का है, और इसके साथ तो एक गाइड बुक है, ये रहता ही है। तो आज मैं इसमें ही खाना बनाने वाली हूँ, तो पहले इसमें मुझे पानी बॉईल करना पड़ेगा, तो पानी अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह से डिश वॉशर से वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसमें कोई भी खाना पका सकती हूँ। लिया ये दो, ये तो अनबॉक्सिंग हो गया, प्रियांशु ने कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिया हूँ बायो ऑर्गेनिक का मुलेठी पाउडर, ये लिया हूँ, और ये एक लिया हूँ बायो ऑर्गेनिक का कायोलिन क्ले पाउडर, ये ब्यूटी से रिलेटेड है। तो ये दो पाउडर से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे फेस पैक बनाने वाली हूँ, तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये जो कायोलिन पाउडर है इसे मैं फर्स्ट यूज करूंगी, और ये जो मुलेठी पाउडर है ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, तब अलग ब्रांड का था, पर अब मैं बायो ऑर्गेनिक का लिया हूँ, तो देखती हूँ। तो इससे जो भी पैक मैं बनाऊंगी पहले मैं यूज करूंगी, मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये हो गया स्टील है, तो इसमें खाना बनाने से हेल्थ को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हम लोग जो नॉन स्टिक जो पैन कुकर जो भी बोलिए हम लोग जो यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉन स्टिक यूज करने से हमारे किचन थोड़ा अलग एक लुक देता है, या नॉन स्टिक में खाना बनाने से एकदम मतलब अच्छा लगता है, ऐसा सोचते हैं, एक स्टेटस मेंटेन करते हैं नॉन स्टिक में हम खाना बना के, पर ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक, क्योंकि नॉन स्टिक में जब हम खाना बनाते हैं तो हीट होने के बाद जो नॉन स्टिक का जो कोटिंग होता है वो हमारे खाने में आ जाता है, तो वही खाना हम रेगुलर खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और सेम टाइप है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी सेम है। तो आप लोग थोड़ा पुराने ज़माने में चले जाइए, दादी नानी वो लोग भी तो आयरन में मतलब आयरन के कढ़ाई में ही खाना बनाते थे, तो तब इतना ज़्यादा बीमारी भी नहीं था, और आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा बीमारी हो गया, मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक कैंसर जैसे बीमारी अब तो घर घर में हो गया है। तो इन सारे बीमारियों से बचने के लिए ये तो करना ज़रूरी है, नॉन स्टिक तो बिल्कुल अवॉइड, एल्युमिनियम भी उसके साथ साथ, एटलीस्ट मैं तो कर रही हूँ। तो मुझे अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनकर नहीं, आप बड़े बड़े डॉक्टर की राय लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना राय दिया है, तो आप उसे देखकर जरूर ये अवॉइड कीजिए। मुझे एल्युमिनियम में ही फ्राई करना पड़ रहा है, पर मैं शायद आज या कल मैं आयरन का कढ़ाई जरूर लूंगी, और स्टेनलेस स्टील का थोड़ी देर बाद लूंगी, क्योंकि एक तो ये लिया इसका प्राइस पड़ गया इतना, तो इसीलिए स्टेनलेस स्टील का जो भी बर्तन है उस थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद लूंगी, और आयरन का उतना महंगा भी नहीं पड़ता है, और हमारे बॉडी में जो आयरन की कमी होता है, अगर आयरन की कढ़ाई में आप लोग खाना बनाओगे तो आपके बॉडी में आयरन की मात्रा भी ठीक करेगा, तो इसलिए। तो चलिए यही शेयर करना था,
तो अब मैं जाऊंगी किचन में. मैं राइस बनाकर गई थी, राइस दाल और आलू फ्राई करके गई थी, तो आज मैं बनाऊंगी पनीर. तो चलिए पनीर बनाते हैं. चलिए मैं इसे पहले क्लीन कर लेती हूँ. तो जब तक मेरा पानी बॉईल हो रहा है तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है. मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ. ये है आइस क्यूब. इतना गर्मी है तो मैं बाहर से आने के बाद आइस क्यूब से फेस मसाज जरूर करती हूँ. इससे स्किन एकदम रिलैक्स हो जाता है और सन की वजह से जो सन टैन स्किन पे आ जाता है वो भी रिमूव हो जाता है, मतलब सन टैन आता ही नहीं. तो अभी ये सिर्फ आइस क्यूब है, सिर्फ पानी है, पर मैं ये आइस ट्रे में क्यूकम्बर टमाटर का जूस भी मैं जमा के आइस क्यूब बना लेती हूँ, तो उससे भी मैं मसाज कर लेती हूँ. क्यूकम्बर का जो आइस क्यूब है उससे मसाज करने से और भी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि क्यूकम्बर का गुण तो सबको ही मालूम है. तो चलिए मैं आइस मसाज करके मैं ड्रेस को चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ. तो यहाँ पे पानी मेरा बॉईल हो गया अच्छी तरह से. अब मैं पैन को डिश वॉशर से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, और ये पानी को मैं वेस्ट नहीं करूँगी. इस पानी में किचन का जो मेरा टॉवल है उसे मैं डिटर्जेंट में भिगो के रख दूँगी. तो कोई भी चीज़ वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो मैं इस पानी को यूज़ कर लेती हूँ. चलिए अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और पैन में अभी मैं बनाऊंगी पनीर. ये देखिए पनीर को मैं कट करके रख दिया, तो पनीर बनाऊंगी. पनीर मेरा रेडी हो गया. तो ये है आज का लंच मेरा रेडी, संडे का भेज लंच. क्योंकि ससुराल में कीर्तन है, मैंने बोला आप लोगों से भजन है, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए हैं. तो ससुराल में पांच दिन चलता है ये भजन, तो पांच दिन घर में कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है. तो भले ही हम लोग नहीं जा पाए, पर हम लोग यहाँ पे ही भेज ही खाते हैं. तो इसलिए आज संडे है तो वेज नॉन वेज नहीं है. तो राइस है, आलू फ्राई है, उसके साथ लेमन है, ये है गोंधोराज लेमन लेबू, और ये है पनीर, और ये है दाल. तो दाल के साथ ये जो लेमन है ये बहुत अच्छा लगता है. तो ये आज मेरा संडे का वेज लंच. तो फटाफट अब हम लोग करेंगे लंच.
हेलो फ्रेंड्स, शाम हो चुके हैं और अभी 6 हो रहा है, मतलब 6 बज चुके हैं और तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो अभी क्यों लो ओके प्रियांशु, तो लंच करने के बाद प्रियांश को मैं सुला दिया, उसके बाद मैं बैठ गया दोनों का बुक्स लेकर कवर करने के लिए। तो वो काम मेरा थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ, तो अभी अभी मैं वो काम कंप्लीट करके उठी हूँ और थोड़ी देर पहले प्रियांशु भी उठ गया है। तो अभी मैं करूँगी दियावाली और बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को और लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा करूँगी ब्लॉग तो आप लोग तो पूरा देखते ही नहीं हो, आधा देखते हो तो हो जाता है। और प्रियांशु का शरारत शुरू हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं ये पेंट करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।